दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के आज के वीकेंड के बाद एपिसोड के दौरान जिस तरीके से मनीषा रानी ने फुकरा इंसान को समझाया, वाकई मनीषा ने एक बार फिर से सभी फैंस का दिल जीत लिया। जी हां दोस्तों, मनीषा रानी ने यहां पर फुकरा इंसान की क्लास लगने के बाद फुकरा इंसान जब अपसेट हो गए थे तब उनके साथ में खड़ी रही और वो फुकरा इंसान को समझा रही थी कि देख अब शो का एंड आ गया है और तू जो कर रहा था ना, जो चीज़ दिखाई गई है उसमें तू एरोगेंटली लग रहा था, थोड़ा बहुत तेरा लग रहा था, तेरी इंटेंशन नहीं होगी वैसी, लेकिन फिर भी थोड़ा हमको लग रहा था कि थोड़ा बहुत तेरी गलती है, लेकिन अब तू ऐसा क्यों करता है, मत करा करना, अब शो का एंड आ गया है, तेरे को ऐसा करने की कहाँ ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर मनीषा रानी ने फुकरा इंसान को समझाई। जिस तरीके से मनीषा रानी ने यहाँ पर फुकरा इंसान की परेशानी में साथ दिया है, वो तरीका यहाँ पर फैंस को काफ़ी पसंद आ रहा है। और दोस्तों मनीषा रानी के फैंस ने तो आज वाकई कमाल कर दिया। जो डिजर्विंग विनर मनीषा रानी चल रहा था ट्रेंड, वो 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा ट्रेंड है ये और मनीषा रानी के लिए इतना बड़ा ट्रेंड पहली बार चलाया गया है। इसके अलावा दोस्तों मनीषा रानी को लेकर फैंस जो है वो सलमान के ऊपर भी भड़के हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक झूठे तरीके से झूठा आरोप यहाँ पर मनीषा रानी के ऊपर लगाया गया था एपिसोड के दौरान। और सलमान ने मनीषा रानी को कहा कि आपने कहा था कि ये शो तो वैसे भी फ्लॉप हो रहा है, लेकिन दोस्तों मनीषा ने सलमान के मुँह पर जिस तरीके से शेरनी की तरह दहाड़ते हुए बोलती बंद करवाई, वो वाकई काफ़ी लाजवाब था। मनीषा ने कहा था कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला, हमने बोला कि इस बार कंटेस्टेंट जो है वो ठंडे हैं, ना कि शो फ्लॉप हो गया। जी हाँ दोस्तों, तीनों को झूठा करार देने के लिए बिग बॉस के अब जो मेकर्स हैं वो कुछ भी आरोप लगाते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। यदि आप भी मनीषा रानी के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।